हेलो फ्रेंड्स, आज मैं चिली गार्लिक मशरूम नूडल्स बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ नूडल्स को पहले से बॉईल करके रखा है और उसे अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लिया है। आप नूडल्स को बिल्कुल भी ओवर कुक ना करें। साथ साथ यहाँ पर हरी मिर्च, अदरक लहसुन को बारीक से चॉप कर लिया है, प्याज को कट कर लिया और यहाँ पे ली है ढेर सारी सब्जियाँ। आपके घर में जो जो सब्जियाँ अवेलेबल हो आप ले सकते हो। यहाँ पर मैंने बंदा, शिमला, बीन्स, गाजर और बीटरूट लिया है। मेरे पास घर में मशरूम भी अवेलेबल था तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मशरूम को भी अच्छे से वॉश करके कट कर लिया है। आप इसकी जगह सोयाबीन का भी यूज़ कर सकते हो। साथ मैंने यहाँ पर स्लरी रेडी किया है सॉसेस की, जिसमें मैंने टोमेटो सॉस, सोया सॉस, चिली सॉस और विनेगर का यूज किया है। तो चलिए कढ़ाई गर्म कर लेते हैं। मैं जैसे कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ, चाइनीज का आइटम मैं हमेशा ही आयरन की कढ़ाई में ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि इससे बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है चाइनीज में। और सबसे बड़ी बात, जब आप नूडल्स बनाते हो लोहे की कढ़ाई में तो वो चिपकती भी नहीं है। तो चलिए, इसके बाद मैंने यहाँ पर तेल डाला है और सबसे पहला स्टेज हमें यहाँ पर नूडल्स को फ्राई करके निकालना है। तो सिर्फ नूडल्स पर यहाँ मैंने ऐड किया है और साथ में मैंने ब्लैक पेपर और नमक थोड़ा सा ऐड किया था और इसे अच्छी तरीके से भून लेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हमारा नूडल्स को फ्राई करके निकालना है। तो चलिए, देख रहे हो आप, ये नूडल्स फ्राई हो गए हैं और ये बिल्कुल भी कढ़ाई में कितनी सी चिकनी लग रही है, एकदम बिल्कुल भी, अगर आप नॉन स्टिक में बनाते हो तो भी नहीं चिपकती, पर जो टेस्ट और जो स्मोकी फ्लेवर लोहे के कढ़ाई में आती है वो बाकी कढ़ाई में नहीं आती। तो इसके लिए मैं लोहे की कढ़ाई को ही प्रेफर करती हूँ। यहाँ पर सब दूसरा स्टेप हमें ये करना है कि मशरूम को ये देखिए अच्छे से फ्राई करके निकाल लेना है। तो यहाँ पर मशरूम भी फ्राई हो गई है। तो थर्ड स्टेप हमें ये करना है कि सारी सब्जियों को पहले सॉटे करेंगे। तो सबसे पहले बीन्स जाएगा इसमें। आप चाहे तो बीन्स को हल्का सब कुछ सेकंड्स के लिए स्टीम करके भी डाल सकते हो, पर मैंने यहाँ पे स्टीम नहीं किया है इसलिए सबसे पहले बीन्स ऐड किया है, गाजर, बीटरूट ऐड किया है। इसको हल्का सा सॉटे करूंगी, उसके बाद इसमें जाएगा प्याज। ये देखिए, सबसे इनिशियली अगर आप प्याज डालोगे तो प्याज गल जाएगा और वो क्रंचीनेस नहीं रहेगी, इसके लिए मैंने यहाँ पर इसको अभी ऐड किया है। थोड़ा सा इसको और सॉटे करेंगे और बिल्कुल हाई फ्लेम पे, देख रहे हो कैसे बिल्कुल धुआं सा आ रहा है ये, तो बिल्कुल हाई फ्लेम पे आप ये काम करो, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। थोड़ा सा शिमला ऐड किया है। सब्जियां हमें बहुत ज्यादा नहीं पकाना, थोड़ी सी क्रंचीनेस रखनी है, तो इसलिए सारी सब्जियां मैं फटाफट से ऐड करते जा रही हूँ हाई फ्लेम पे। तो चलिए, अब इसके बाद इसमें बंदा ऐड करूंगी सबसे लास्ट में, क्योंकि बंदा बहुत ही जल्दी मतलब मिला मिला सा हो जाता है और इसकी क्रंचीनेस नहीं रहती, तो इसके लिए सबसे लास्ट में बंदे को ऐड करें। और थोड़ा सा सब्जियों में सॉल्ट जाएगा क्योंकि वो टेस्ट आएगा अच्छे से। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारा तीसरा स्टेप भी रेडी है। तो चौथे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर लोहे की कढ़ाई को गर्म कर लिया है और इसमें डाला है रिफाइंड ऑयल। अब इसमें डालूंगी बिल्कुल चॉप किए हुए अदरक लहसुन और हरी मिर्च। ये देखिए, हरी मिर्च को भी मैंने लंबे लंबे पार्ट्स में कट कर लिए थे ना, और यहाँ अदरक लहसुन को चॉप कर लिया है कट करने के बजाय, ताकि इसकी जो खुशबू आती है वो पूरा पूरा एकदम तेल में अच्छे से मिल जाता है। और यहाँ पर जो सॉस रेडी किए थे ना स्लरी, सारे सॉसेस किए, यहाँ पर उसको ऐड किया है और एकदम हाई फ्लेम पे इस तरीके से, देख रहे हो बिल्कुल ऐसा धुआं आना चाहिए, बिल्कुल ऐसे भून लेना है सॉस को कुछ सेकेंड्स के लिए एकदम हाई फ्लेम पे, देख रहे हो कलर कैसे चेंज हो गया है। अब इसमें सबसे पहले सब्जियाँ ऐड करूंगी जो भून के रखी थी। तो ये देखो, इस तरीके से आप थोड़ा सा टाइम देकर बनाओ नूडल्स को, बहुत अच्छा बनता है। यहाँ पर मशरूम भी ऐड हो गया है और इसको अच्छे से भून लिया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा स्प्रिंग ओनियन जाएगा, अगर आपके घर में अवेलेबल हो तो आप जरूर ऐड करें स्प्रिंग ओनियन, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और हमेशा कोशिश करें कि नूडल्स कम और सब्जियाँ ज़्यादा हो, तो इससे क्या होता है ना, सब्जियां भी भरपूर हमारे पेट में जाती है और नूडल्स कम रहता है और दोनों का ही टेस्ट मतलब आ जाता है हमें। तो ये देखिए, थोड़ा सा मैगी मसाला ऐड किया यहाँ पर और उसको भी अच्छे से भूनूंगी। यहाँ पर थोड़ा सा बचा हुआ स्प्रिंग ओनियन था उसको लास्ट में ऊपर से ऐड किया है ताकि वो देखने में थोड़ा सा और अच्छा लगे। तो इसको अच्छे से एकदम हाई फ्लेम पर भून लेना है। तो लगभग हमारा ये भून गया और बिल्कुल हमारे नूडल्स रेडी है, क्योंकि ऑलरेडी हमने सारी चीज़ पहले से भून रखी थी तो बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, नूडल्स बिल्कुल रेडी है। तो आपको कैसा लगा ये मेरा झटपट से बनने वाला नूडल्स, आप मुझे कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देना। और मेरा अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करना। थैंक यू।